आपके पास वो मैक्स फैक्टर की लिपस्टिक है क्रीम फ्रॉस्ट? जी हाँ। लीजिए। थैंक यू प्रेम। ये क्या किया तूने? वो यार वो गलती से हाथ से लेमन से छूट गया। समझ लो आज से नौकरी भी हाथ से छूट गई। स्टोर में कोई अच्छी कस्टमर लड़की क्या आई? मजनू बन जाते हो। अपना हिसाब किताब करो और हमें बख्शो। सर साहब हिसाब किताब तो आपसे कर ही लूंगा, लेकिन पहले उस लैला की डायरी में अपना नाम तो लिखा दूं जिसने मुझे मजनू बना दिया। एक बार, सिर्फ एक बार आग गले लग जा। कैसे मिस्टर रोमियो? मैं तो लैला के ड्रेस में हूँ। वो रही आपकी जूलियट। ओ शक्स। अरे प्रीति तुम तो अकेली रह गए। लैला बनते वक्त ये तो सोच लिया होता तुम्हारा मजनू कौन होगा। अगर सोचने से ही हर लड़की को उसका मजनू मिल जाता तो हर लड़की लैला होती। अरे मेरा मजनू जब भी आएगा हवा को चीरता हुआ सीधा मेरे दिल में समा जाएगा। लैला कौन है आप? पहचाना नहीं मुझे? मैं आपका मजनू। लेकिन श्रीमान जी आप तो पठान के ड्रेस में हैं। अरे ड्रेस पे मत जाइए मेरी लैला जी, दिल पर जाइए दिल पर। मजनू की ड्रेस ना सही, गरीब के पास दिल तो मजनू का है। याद नहीं आपको हर जन्म में आप लैला थी और मैं आपका मजनू, और हर जन्म में आप मेरा साथ छोड़ के चली गई थी। वादा कीजिए कि इस जन्म में आप मेरा साथ ना छोड़ेंगी। अजीब इंसान है आप, न जान न पहचान और बन गए मेहमान। मेरी जान।
वादा करो नहीं छोड़ोगी तुम मेरा साथ, जहाँ तुम हो वहाँ मैं भी हूँ, वादा करो नहीं छोड़ोगी तुम मेरा साथ, जहाँ तुम हो वहाँ मैं भी हूँ। जान हंस के मुझे ये कह दो, भीगे लबों की नरमी मेरे लिए है, ओ जवान नजर की मस्ती मेरे लिए है, हंसी अदा की शोखी मेरे लिए है, मेरे लिए लेके आई हो ये सौगात, जहां तुम हो वहाँ मैं भी हूँ। छुओ नहीं देखो जरा पीछे रखो हाँ, जहाँ तुम हो जहाँ मैं भी हूँ। वादा करो नहीं छोड़ोगी तुम मेरा साथ, जहाँ तुम हो वहाँ मैं भी हूँ। जवां कई है लेकिन जहां में कोई तुमसे हंसी नहीं है, हम क्या करें। तुम्हें मिलूं मैं इसका तुम्हें यकीन है, हमको यकीन नहीं है हम क्या करें। ऐसे नहीं खुलो जरा देखो किसी का तो देना होगा, दे दो मेरा साथ, जहाँ तुम हो वहाँ मैं भी हूँ। छुओ नहीं देखो जरा पीछे रखो हाँ, जहाँ तुम हो जहाँ मैं भी हूँ, जहाँ तुम हो वहाँ मैं भी हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के फैंसी ड्रेस कंपटीशन का पहला इनाम मिस प्रीति जो के लैला के लिबास में है और मिस्टर प्रेम जो के पठान के लिबास में है को दिया जा रहा है, और दूसरा इनाम हासिल करने वाले हैं मिस्टर अनिल एंड मिसेस अनिल नागरथ।
थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। ये भी आप ही रखिए, याददाश्त के लिए मैं ये फोटो रखूंगा। आप जल्दी से अपना नाम, पता, एड्रेस, भाग का कारोबार, हॉबीज मुझे बता दीजिए ताकि मैं तैयारियां शुरू कर दूं। ऑफ कोर्स, आप जरा यहाँ बैठिए, मैं जरा फ्रेंड्स को कंसल्ट कर लूं, एक सेकेंड। मजनू साहब, हुक्म कीजिए। एक बात बताइए, आप मेरे लिए क्या क्या कर सकते हैं? अजी साहब, क्या कुछ नहीं कर सकता हूँ, शिमला की ऊंचाई से चंडीगढ़ तक अपनी जान दे सकता हूँ। देखिए, हम सब बॉम्बे में मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। कल यहाँ के हॉस्पिटल में एक्सपेरिमेंट के लिए एक आदमी की जरूरत है, आप आ सकते हैं? ओह, आप मेरे दिल को चीर फाड़ कर देखना चाहती हूँ कि मैं असली मजनू हूँ या नहीं। देखिए देखिए, शौक से देखिए, मर भी गया तो कम नहीं होगा। अपने असली मजनू साहब भी कौन सा जिंदा बच गए थे? आज का एक्सपेरिमेंट है फ्रीजिंग कोल्ड वर्सेस ह्यूमन बॉडी। अगर सर्दी के कारण खून का दौर रुकने लगे और जिस्म की गर्मी भी कम होने लगे तो ये हालत इंसान के लिए बहुत खतरनाक होती है। ऐसी हालत में उसकी जान भी जा सकती है। जा सकती नहीं डॉक्टर साहब, जा रही है। ऐसी हालत में मरीज को हरगिज नहीं सोने देना चाहिए, क्योंकि वो नींद मौत की नींद होगी। पल्स, सिंकिंग, टेम्परेचर 90, ब्लड प्रेशर 60। अच्छा प्रीति, ये बताओ ऐसी हालत में क्या ट्रीटमेंट देनी चाहिए? डॉक्टर साहब, ऐसी हालत में कोरामिन और फैंटामिन इंजेक्शन देना चाहिए और ग्लूकोसालाइन। दैट्स राइट। जरा देख लीजिए, ये सब दवाइयां आपके पास हैं भी या नहीं, वरना अपना तो बैंड बच जाएगा। घबराइए नहीं, आप डॉक्टरों के बीच में हैं। डॉक्टर साहब, यही तो घबराहट है। आपने वो मशहूर कहावत तो सुनी होगी ना, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रथ। अगर दवाइयां ना हो तो ब्रांडी या हॉट वाटर बॉटल से जिसमें गर्मी दी जा सकती है। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर ये सब चीजें ना हो तो? That's a good question. अकलमंदी का सवाल है। अगर ये सब ना हो तो बॉडी हीट भी एक थेरेपी है। बॉडी हीट जिसका जिस्मानी मतलब? गर्मी। मरीज को अपनी बाहों में लेकर अपने जिस्म की गर्मी उसके जिस्म में पहुंचानी चाहिए। ये एक आखिरी इलाज है जिसके जरिए बिना दवा के मरीज को बचाया जा सकता है। जैसे कि अरे अरे डॉक्टर साहब, इस उम्र में आप क्यों तकलीफ करते हैं? अगर आप ये सब कुछ करेंगे तो आपके ये स्टूडेंट्स कब सीखेंगे? जरा इन्हें चांस दीजिए ना। आज का लेसन इतना ही काफी है, बाकी कल। अब आप जा सकते हैं, कैशियर से पेमेंट ले लीजिए। सुनिए, कल कब आऊं? जब भी जी चाहे। अब तो आपको कोल्ड स्टोरेज में रखा जाएगा ताकि आप मैक को चिकन की तरह जम जाए। जी, चिकन की तरह जमाइए या आइसक्रीम की तरह जमाइए, लेकिन जमाइए जरूर। गॉन किस? प्रीति से जाकर कहो कि तुम्हारे डैडी आए हैं। मेरे? तुम्हारे नहीं, उसके। पेमेंट कीजिए या दस्तखत कीजिए। अजी साहब, इतनी भी क्या जल्दी थी? आज एक्सपेरिमेंट पूरा नहीं हुआ, कल भी आना पड़ेगा। मेरा अपना ख्याल ये है कि अब तो रोज ही आना पड़ेगा। क्या आपको डॉक्टर साहब ने परमानेंट रख लिया है? अरे यार, तुम समझे नहीं, वो डॉक्टर प्रीति है ना, वो अपने पे जरा फिदा हो चुकी हैं, इसलिए किसी न किसी बहाने रोज यहाँ बुलाई लेती हैं। इश्क चीज ही ऐसी है जो लगाए ना लगे और बुझाए ना बने। कौन है बे? आप प्रीति को कब से जानते हैं? कई जन्मों से। और आपको ये वहम कैसे हो गया कि प्रीति आपसे इश्क करती है? और आपको ये वहम कैसे हो गया कि मैं अपनी प्राइवेट बातें आपको बताऊंगा? आप क्या उनके बाप लगते हैं? जी हाँ, मैं उसका बाप हूँ। जी? अच्छा हुआ आप भी मिल गए। कहिए, क्या ख्याल है आपका मेरे बारे में? आप मुझे
अपना दामाद बनाएंगे ना? अपना दामाद बनाने से पहले मैं तुम्हें सरकार का दामाद बना दूंगा। गेट आउट। जी? गेट आउट। अरे कहीं आग लगी है क्या? इस बार आग यहाँ नहीं, वहां लगी है। डैडी, क्या हुआ? आप इस तरह मुंह बना के क्यों खड़े हैं? वो लड़का कौन था? तुम्हारे बारे में ना जाने क्या क्या बक रहा था। पागल है, छोड़िए ना उसकी बातों को। लेकिन आप यहाँ कैसे? अमर का तार आया है, वो विलायत जा रहा है, हमें आज बॉम्बे जाना है। लेकिन डैडी, मैंने तो अभी तक शॉपिंग भी नहीं की है। ओ, शॉपिंग कर लो, जल्दी से होटल आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। हाय। ओफो, तो तुम फिर आ पहुंचे? हाँ, मैं वो पूछने आया था कल वो जिस्मानी वाला सबक होगा या नहीं। अगर जिस्म रहा तो सबक होगा। क्यों? जिस तरह तुम इस खतरनाक रास्ते पर गाड़ी को पकड़ रखा है, अगले मोड़ तक खाई में गिरकर हड्डियां तोड़वा चुके होंगे। मैडम, बंदे ने जब होश संभाला था ना तो स्केट पे था, और जब होश जाएगा ना तो भी स्केट पे ही जाएगा। कुछ भी कह लीजिए, उबर वाला भी यही चाहता है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ जिंदगी का सफर तय करें। आप शादी के लिए हाँ कर दीजिए ना। कभी नहीं। मैंने तो आपके डैडी से भी बात कर ली। क्या बोले वो? बोलते क्या, प्रपोजल सुनते ही शर्मा गए और शर्म के मारे कुछ ना बोल सके। अब आप ही कुछ बोलिए ना, मैं आपको पसंद हूं ना? नहीं, इतना सा? बिल्कुल नहीं। इतना सा? ओफो, इतना सा? Why didn't you shut up? हाय, चोट तो नहीं लगी? ज्यादा नहीं, थोड़ी सी। Thank God. लेकिन क्या हुआ? Oh my God, रेडिएटर तो बिल्कुल टूट गया। फिर अब क्या होगा? कुछ नहीं, बस गाड़ी नहीं चलेगी। देखिए, एक काम करते हैं, मैं गाड़ी में बैठती हूँ, अब जाकर कहीं से किसी मैकेनिक को बुला लाइए प्लीज। मैडम, ऐसी जगह मैकेनिक वैकेनिक नहीं मिलते हैं। हाँ, एक काम करते हैं, मेरे पास बिना पेट्रोल की गाड़ी है, आप मुझे मोटर समझिए और मेरी बाहों की सीट। देखिए प्रेम साहब, अगर आप सचमुच मेरी मदद करना चाहते हैं, मुझे अपनी स्केट दे दीजिए। इसका मतलब है कि हम वॉकी वॉकी जाएंगे? नहीं नहीं, रास्ते पर बहुत बर्फ जमी हुई है और इस पर रोलर स्केटिंग करना आसान बात नहीं है, बेहतर यही कि आप मेरी बाहों में आ जाएं। बिल्कुल नहीं, अगर तुम समझते हो मेरी मजबूरी का फायदा उठा लोगे तो ये तुम्हारी गलत फहमी है, मैं पैदल भी जा सकती हूँ, समझे? समझे, जाइए जाइए, कौन रोक रहा है आपको? तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल भाता कोई। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल भाता कोई। जाने तू या जाने ना, माने तू तेरा मुझसे है पहले कनाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। तेरा मुझसे है पहले कनाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई।
धुआं धुआं था वो समा यहाँ वहाँ जाने कहाँ धुआं धुआं था वो समा यहाँ वहाँ जाने कहाँ तू और मैं कहीं मिले थे पहले देखा तुझे तो दिल ने कहा जाने तू या जाने ना ओ माने तू या माने ना ठीक है लेकिन इसे मेरी मजबूरी है समझना ठीक है मगर है ये बड़ी खूबसूरत खूबसूरत मजबूरी देखो अभी होना नहीं सभी जुदा होना नहीं देखो अभी होना नहीं सभी जुदा होना नहीं अब के यूं ही मिल रहेंगे दोनों वादा रहा ये किस शाम का जाने तू या जाने ना माने तू तेरा मुझसे है पहले कना था कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई तेरा मुझसे है पहले कना था कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई जाने तू क्या जाने ना माने तू जल्दी से डॉक्टर बुला ला ये लड़की सर्दी से बेहोश हो रही है अच्छा तो ये वही लौंडिया है जिसका तू हमेशा पता पूछा चलता था बोले जल्दी पता ली छाले बकवास बंद कर जगे जल्दी जाओ अरे वाह मुझे काले कुत्ते ने काटा है क्या ऐसी तराती थी सर्दी में बिना पेट्रोल के बाहर चला जाऊं छाले इंजन ठंडा हो गया है चला पेट्रोल डाल देना छाले अच्छा अच्छा ये ले लेकिन याद रख पहले डॉक्टर फिर पेट्रोल पहले पेट्रोल फिर डॉक्टर क्या नहीं 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 पहले डॉक्टर फिर पेट्रोल मगर यार ये लौंडिया तो बली तुरतुरी है तू ऐसा कर तू डॉक्टर के पास जा तब तक मैं इसका देसी इलाज करता हूँ जागे जी जाओ जाता हूँ चाले तू इसका देसी इलाज कर ले कपड़े उतार लो कंबल ओढ़ लो गीले कपड़ों से तुम्हें सर्दी और लगेगी प्रीति प्रीति बांध जाओ प्लीज प्रीति प्लीज मुझे ही करना होगा
करना होगा। नींद मौत की नींद होती है प्रीति, होश में आ। अगर ये सब न हो तो बॉडी हीट भी एक थेरेपी है, जिस्मानी गर्मी। मरीज को अपनी बाहों में लेकर अपने जिस्म की गर्मी उसके जिस्म में पहुंचाना चाहिए। ये एक आखिरी इलाज है जिसके जरिए बिना दवा के मरीज को बचाया जा सकता है। यही एक आखिरी इलाज है जिसके जरिए बिना दवा के मरीज को बचाया जा सकता है। यही एक आखिरी इलाज है जिसके जरिए बिना दवा के मरीज को बचाया जा सकता है। मुझे गलत ना समझना, मैंने मौके का फायदा नहीं उठाया। तुम्हें होश मिलाने के लिए मैं जो भी कुछ कर सकता था मैंने किया, लेकिन नाकाम रहा। फिर अचानक मुझे डॉक्टर साहब के वो अल्फाज याद आए और मैं जानती हूं। इस हालत में मुझसे जो गलती हुई उसकी तुम जो भी सजा देना चाह दे सकती हो। जान बचाने की कोई सजा होती है? अगर मैं तुम्हारी जगह होती मैं भी यही कर। तो फिर क्यों ना इस बात को जो अचानक में हुई है, मेरा मतलब है प्रीति कि तुम और मैं, यानी कि हम दोनों, कुछ नहीं। दरअसल मैं बहुत गरीब हूं प्रीति, मेरे पास प्यार के सिवा और कुछ भी नहीं है। प्यार के सिवा और चाहिए भी क्या?
मेरा घर बहुत छोटा है। लोग छोटे से घर में ही खुश रहते हैं। मेरी एक माँ है, उसे बहू की तमन्ना है। मेरी माँ बचपन में ही मर गई, मुझे माँ का प्यार नसीब ही नहीं हुआ। इसका मतलब है तुम्हारी हाँ ही समझू। अरे अब देखना, मैं खूब मेहनत से काम करूंगा, एक अच्छा सा घर बनाऊंगा जिसमें माँ बहू बेटा और वो रहेंगे। वो कौन? वो गोल मटोल सा, खूबसूरत माँ जैसा और स्केटिंग चैंपियन बाप जैसा। बस 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 बस, तुम तो बहुत आगे पहुँच गए हो। मेरी हाँ के साथ साथ डैडी के यहाँ भी तो जरूरी है। अगर मैं शादी की इजाजत ना दूं तो क्या तुम मुझे मेरी बेटी की बदनामी का डर दिखाकर ब्लैकमेल करने की कोशिश नहीं करोगे? नहीं, इसकी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि प्रीति भी मुझसे मोहब्बत करती है। गलत, मेरी बेटी तुम जैसे आवारा से मोहब्बत नहीं कर सकती। शादी के ख्वाब मत देखो मिस्टर, ये शादी नहीं हो सकती। आप ये मत भूलिए कि आपकी बेटी आपकी इजाजत के बगैर भी मुझसे शादी कर सकती है। ऐसी सूरत में उसे मेरी जायदाद में से कुछ नहीं मिलेगा। आप बेफिक्र रहिए, शादी से पहले मैं प्रीति के सामने एक शर्त रखूंगा कि वो सिर्फ तन के दो कपड़े पहनकर आपके घर से विदा हो। ठहरो, घबराइए नहीं, मैं आपको ब्लैकमेल करने नहीं जा रहा हूं। नीचे रिसेप्शन में आपकी बेटी का इंतजार करने जा रहा हूं ताकि उसका फैसला आप खुद उसके मुंह से सुन सके। डॉक्टर की हैसियत से मैं ऐसी कोई गलत काम नहीं बल्कि ट्रीटमेंट कहूंगा। ये अच्छी बात है कि वो तुमसे शादी करना चाहता है और तुम भी राजी हो, तुम्हारी डैडी मान जाएंगे ना? अरे प्रेम, मैं तुझे कब से ढूंढ रहा था, तुझे बुलाया डॉक्टर साहब ने, तेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। माँ? हाँ हाँ, चल ठहर एक मिनट, एक्सक्यूज मी, पेपर पेंसिल, थैंक यू। प्रीति, तुम्हारे पिताजी को मैं पसंद नहीं हूँ, उन्होंने शादी के लिए इनकार कर दिया है। मेरी माँ की तबीयत अच्छी नहीं है, मैं उन्हें देखने जा रहा हूँ, फौरन वापस आकर तुमसे मिलूंगा। ये चिट्ठी मिस प्रीति को दे दीजिएगा, सिर्फ मिस प्रीति। यस सर, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? बट सर, दैट्स ओनली फॉर मिस प्रीति। थैंक यू सर। जब मैं यहां आया तो ये घर का काम कर रही थी। दिल के मरीज को काम नहीं, मुकम्मल आराम की जरूरत है। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मेरा दोस्त है जिसका एक सेनेटोरियम है, तुम इसे वहां क्यों नहीं ले जाते? जी डॉक्टर साहब। सुना ना मां? देख मां, अगर आज के बाद तूने घर का काम किया तो और कौन करेगा? तू करेगा? तुझे कितनी बार कहा, घर का काम या तो मां करती है या बहू। तो बहू ले आता हूं। मजाक कर रहा है या सचमुच किसी को पसंद कर लिया है? कर लिया। मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया सिर्फ पैसों के लिए किया, पैसों, क्योंकि आज के जमाने में प्यार से ज्यादा पैसों की जरूरत होती है। इसलिए तुम अपने डैडी को समझाओ कि वो मुझे शादी में 5 लाख रुपए देने से इनकार ना करे। खैर, तुम इसे ब्लैकमेल समझो या जरूरत,
मैं अपनी माँ को मिलकर वापस आता हूँ। कांच और हीरे में तमीज करना सीखो बेटी। एक तरफ ये लालची नौजवान जो सिर्फ तुम्हारी दौलत के लिए तुमसे शादी करना चाहता है, और दूसरी तरफ डॉक्टर अमर जिससे तुम्हारी सगाई होने वाली है। और अब तुम्हें ये खुद सोचना चाहिए कि इन दोनों में से। बॉय, सामान तैयार करो। सुनो, इसका जवाब नहीं दोगी? नहीं, मैं उसे किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती। जवाब देने से ही ताल्लुक टूटेगा बेटी, वरना हो सकता है वो मुंबई तक तुम्हारा पीछा करे। तो फिर आप ही लिख दीजिए कुछ जवाब। प्रीति, प्रीति तुम जा रही हो? हाँ। मेरा खत नहीं मिला तुम्हें? मिला और पढ़ भी लिया। जवाब रिसेप्शन पर है, पढ़ लेना। डैडी चलिए। लेकिन प्रीति, तुम इतने नीचे भी गिर सकते हो, मैंने कभी नहीं सोचा था। मेरी जान बचाने का सहारा लेकर तुमने बेहोशी में मेरी इज्जत लूटी है। आइंदा मुझसे कभी मिलने की कोशिश मत करना। अब माँ को क्या जवाब दूंगा? झूठ बोलना पड़ेगा। अंकल, भैया आ गए। बेटी ने शादी में डुप्लीकेट भेजने का इरादा है क्या? साहबान, मेरे देर से आने के कारण जो आप लोगों को इंतजार करना पड़ा है, उसके लिए मैं तहे दिल से माफी चाहता हूं। पहले सोचा यह बात आप लोगों को फोन पे कह दूं, लेकिन फिर हमने इरादा बदल दिया। सोचा सबके सामने कहने में क्या डर है। लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि यह मंगनी नहीं होगी। जी हाँ, ये मंगनी नहीं होगी। भैया क्या कह रहे हैं आप? हीरा चांद, तुमने इनके साथ बात पक्की नहीं की थी क्या? अमर बेटे, ऐसी बात मुंह से निकालने से पहले हमारी इज्जत का ख्याल तो किया होता। आप अपनी बेटी से पूछिए अंकल, उसने मेरी इज्जत का ख्याल क्यों नहीं किया? असल बात मुझसे छुपाई गई और मुझे अंधेरे में रखा गया। क्यों प्रीति? अमर, एक मिनट प्लीज। अमर, मैंने कभी नहीं चाहा कि तुमसे अपने बारे में कोई बात छुपाओ। तुम्हें मेरे बारे में शिकायत है, जानती हूँ, लेकिन ये बात तो तुम मुझसे अकेले भी कर सकते थे, इतने सारे मेहमानों के सामने। नहीं, मैं जो भी कहूंगा सबके सामने कहूंगा। साहबान, इस लड़की ने इस गरीब का दिल तोड़कर चकनाचूर कर दिया है। इसने हमको दिया हुआ वचन तोड़ा है। शिमला जाने से पहले इसने हमसे वादा किया था कि आते ही शादी करूंगी, और अब ये लोग मंगनी का चक्कर देकर हमें अकेले ही पढ़ाई के लिए विलायत भेज रहे हैं। अब आप ही बताइए ना, नजरों से दूर, दिल से दूर, चश्मे पर दूर, पीछे में इनका दिल किसी और पे आ गया तो? तुम्हारा दिल भी तो किसी और पर आ सकता है। आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता है, जरूर आ सकता है। इसीलिए तो कह रहा हूँ मैडम, नो मंगनी, डायरेक्ट शादी, इकट्ठे चलते हैं। देखो अमर, एक वक्त में एक ही काम हो सकता है। तुम वहाँ जा रहे हो स्टडी के लिए, अगर मैं साथ चलूंगी तो तुम पढ़ नहीं पाओगे। ठीक है, अगर हार्ट स्पेशलिस्ट बनने के बजाय हार्ट पेशेंट बनकर लौटा तो? डोंट वरी, मैं इलाज कर दूंगी। अंकल, आप ही प्लीज ऐसा समझाइए ना, अपना दिमाग बहुत तेज है, एक वक्त में कई काम कर सकता हूँ मैं। अंकल आप, पंडित जी आप ही कोई तंत्र मंत्र निकालिए ना, और कह दीजिए कि अगर आज की यह शुभ घड़ी टल गई
तो फिर ये शादी कभी नहीं होगी। नहीं बेटे, ऐसी अशुभ बातें मुंह से नहीं निकालते। बेटी इधर 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 इधर, पंडित जी आप सगाई की रस्म पूरी कीजिए। ओम सर्व मंगल मंगलेश लीजिए, और आप अपने हाथ में इनको पहनाइए। आई अंगूठी आप भी लीजिए और इनको पहनाइए। ओम मैं जानता था प्रीति मेरे जाने का गम बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। मैं कहता था ना, ये दिल कमबख्त बड़ा ही कमजोर होता है, चाहे औरत का हो चाहे मर्द का। अच्छा तुम कहते हो तो मैं नहीं जाता हूँ, फ्लाइट कैंसिल। कैसी बातें कर रहे हो अमर? नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। श्योर? अच्छा हाँ। अच्छा अंकल बाय 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 बाय। तो फिर आपने कोई रास्ता निकाली है जिससे आपकी इज्जत भी बची रहे और मेरा बच्चा भी? ऐसा करते हैं, खंडाले में मेरे एक दोस्त हैं डॉक्टर सुधीर मजुमदार, उनका वहां नर्सिंग होम है, डिलीवरी होने तक तुम वहीं जाकर रहो। और डिलीवरी के बाद? बाद की बात बाद में सोचेंगे। और दुनिया में ऐसी कौन सी मुश्किल है जो हल नहीं हो सकती? ब्लड प्रेशर नॉर्मल, आप चाहें तो थोड़ा घूम फिर भी सकती, लेकिन इतना भी नहीं कि थक जाए और फिर दौड़ा पड़ जाए। डॉक्टर साहब ज्यादा आजादी मत दीजिए, आप माँ की आदत को नहीं जानते। आप इन्हें चलने फिरने की इजाजत देंगे, ये काम करना शुरू कर देंगी। डॉक्टर कमरे का सफाई हो गया, उनके लिए कंपेनियन का इंतजाम हो गया? अभी तक नहीं हुआ, आप कहे तो मैं कंपेनियन बन जाऊं? तुम अपने बॉयफ्रेंड की कंपेनियन तो बन ना सकी, रोगी तुम्हें कैसे टॉलर करेगा? ओ डॉक्टर, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब मुझे रखवा दीजिए, बेकार हूँ। बहुत तलाश करने के बाद भी नौकरी नहीं मिलती, और कंपेनियन तो मैं ऐसा साबित हूंगा कि वो मुझे हमेशा के लिए अपना कंपेनियन बना लेंगे। सॉरी प्रेम, वो एक लड़की, उसे एक औरत कंपेनियन चाहिए। I'll be bad luck. Good morning, Dr. Mojumdar. Hello, Hirachand. बहुत दिनों के बाद मिले। प्रीति ना? हाँ। बहुत बड़ी हो गई है, इतनी सी थी जब मैंने तुम्हें देखा था। सिस्टर जूली। यस डॉक्टर। मैडम को बंगले पे ले जाओ। ओके डॉक्टर। आओ हीराचंद ऑफिस में चले। हाँ माँ, डॉक्टर साहब ने मुझे बेफिक्र कर दिया है, और तुम्हारी तबीयत भी ठीक है। अब तुम्हें तभी आऊंगा जब मुझे नौकरी मिल जाएगी। अच्छा बेटे, चिट्ठी लिखते रहना। अरे माँ चिट्ठियां तो इतनी लिखूंगा कि आते जाते पोस्टमैन की चप्पलें घिस जाएंगी। चिट्ठी पे चिट्ठी, चिट्ठी पे चिट्ठी। अरे माँ
वैसे तो अबॉर्शन भी इलीगल नहीं, लेकिन पर्सनली मैं इसके खिलाफ, आपकी बेटी क्या चाहती? वो भी इसके खिलाफ है। लेकिन सवाल ये है कि बच्चे का क्या होगा? दैट इज नो प्रॉब्लम। मेरे चंदे से बहुत से अनाथ आश्रम चलते हैं, एक और बच्चा फिट नहीं होगा। प्रीति राजी हो जाएगी? उसे मालूम भी नहीं होने दिया जाएगा। मजुमदार, तुम मेरे दोस्त भी हो और हमदर्द भी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, इसीलिए प्रीति को मैं यहाँ लेकर आया हूँ। अच्छा मैं चलता हूँ, प्रीति वेट कर रही होगी। अच्छी बात है। डॉक्टर साहब, आप कह रहे थे ना अब मैं चल फिर सकती हूँ, मुझे उस लड़की के पास रखवा दीजिए ना, मेरा दिल भी लगा रहेगा और फिर चार पैसे मिलेंगे तो बेटे का बोझ भी हल्का हो जाएगा। लेकिन प्रेम को कुछ मालूम नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं सेठ जी से बात करूंगा। सिस्टर, इसमें फूल कब खिलेगा? 3 महीने में। प्रीति, आज तुम फिर मांग में सिंदूर लगाना भूल गई। देखो बेटी, ये छोटी छोटी बातें हैं ना, सुहागन अपने लिए नहीं, अपनी सुहाग की मंगल कामना करने के लिए करती है। हमने तुम्हें अपनी बेटी की मांग में सिंदूर भरने के लिए नहीं, बल्कि उसकी देखभाल और दिल बहलाने के लिए रखा है। आप कैसी बातें कर रहे हैं सेठ जी, सुहागन की मांग भी कभी सुनी रहती है? माँ जी, आज फिर बाजरे की रोटी और सरसों का साग खाने का दिल कर रहा है, अपने हाथों से बना के खिलाइए ना। अच्छा बेटी, चलो दादी। मुझे तुम जैसे मास्टर की जरूरत है, आज से काम शुरू कर दो। थैंक यू। हाँ, वो साहब ने कॉटेज देखते हो ना, वो तुम्हारे लिए, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। तुम बंगला बंद करके अपने क्वार्टर में जा सकती हो। देखिए, इस वक्त प्रीति के साथ मेरा रहना बहुत जरूरी है। और नर्स जो है, फिर वहाँ डॉक्टर भी मौजूद हैं, तुम्हारी जब जरूरत पड़ेगी बुला लेंगे। चलो पीटर। प्रीति।
मैं पूछ सकता हूँ कि ये बच्चा किसका है? तुम्हारा। प्रीति तुम्हारे इस पाप के बोझ को दुनिया की नजरों से छुपाना चाहती है। इस मुसीबत से छुटकारा पाकर वो फौरन ही अपने मंगेतर के पास चली जाएगी। बच्चे के साथ या बच्चे के बिना? बच्चा किसी अनाथ आश्रम में पलेगा जहां इस किस्म के बच्चे परवरिश पाते। लेकिन सेठ साहब, यह बच्चा अनाथ नहीं है। इसकी मां अगर इसे स्वीकार नहीं करना चाहती तो उसकी परवरिश मैं करूंगा। आप बच्चा मुझे दे दीजिए। सेठ साहब, मैं हाथ जोड़ता हूं इस बच्चे पर से उसके पिता का अधिकार न छीनिए। अगर तुम्हारा यह अधिकार अपने हाथों फैलाना शुरू कर दे तो किसी दिन मेरी बेटी को और धन दौलत को अपने कब्जे में नहीं कर लेगा। इस बात की क्या गारंटी? मैं वचन देता हूं कि आपकी किसी भी चीज पर मेरा और मेरे बच्चे का कोई अधिकार नहीं होगा। तुम कभी भी प्रीति से मिलने की कोशिश नहीं करोगे? नहीं। और यह भी नहीं किसी से कहोगे कि इस बच्चे का हमारे खानदान से कोई ताल्लुक है? नहीं। आप सिर्फ मुझे मेरा बच्चा दे दीजिए। मैं वचन देता हूं कि यह बच्चा यह भी नहीं जान पाएगा कि इसकी मां कौन है। आओ मेरे साथ। ए सिस्टर, वो सेठ हीराचंद को देखा? नहीं। ओ वेयर इज ही? सेठ जी, गुड न्यूज, यू हैव बिकम अ ग्रैंडफादर। इट्स अ बॉय, लड़का हुआ, लड़का। व्हाट गुड न्यूज, वाह वाह वाह। प्रीति का क्या हाल है? वो अभी तक होश में नहीं आई। सिजेरियन हुआ था ना, लेकिन डरने की कोई बात नहीं। कमाल है, इतना बड़ा सेठ को इतना अच्छा खबर सुनाया। लेकिन नर्स, थैंक यू नर्स, थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल न्यूज। ये मिठाई मैं अपनी माँ के लिए नौकरी खुशी में लाया था। ये तुम रखो। थैंक यू। मुंह मीठा कर लो। और ये 11 रुपए लो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हीराचंद, प्रीति अभी तक होश में नहीं आई है, वैसे घबराने की कोई बात नहीं। थैंक यू मजुमदार। मैं वो बच्चा इसको देना चाहता हूँ, ये उसका धर्म पिता बनकर उसकी परवरिश करेगा। वेरी गुड मिस्टर प्रेम। अगर आप जैसे लोग इस किस्म के बच्चों का अपनाना शुरू कर दें तो भूली भटकी लड़कियाँ फिर से अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकती हैं। सेठ जी, जो ग्रैंडसन। हाँ स्वीट, लीजिए 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 ना, देखिए। लाओ मुझे दो। इस बच्चे के छूने से इनका धर्म भ्रष्ट हो जाता है। हा? सिस्टर, पेपर्स तैयार करके मिस्टर प्रेम के साइन ले लो। और देखो, ये बात किसी को भी मालूम नहीं होनी चाहिए कि ये प्रीति का बच्चा है, समझी? यस डॉक्टर, यस। सुना? सेठ साहब, इन्हें किसी अनाथ आश्रम में दान कर दीजिएगा जहां के बच्चे आप जैसे धर्मात्माओं के दान पर पलते हैं। इसके लिए इसके पिता का प्यार ही काफी है। चल बेटे। प्रीति जब होश में आकर अपना बच्चा मांगेगी तो हम क्या जवाब देंगे? आप लोग सब झूठ बोल रहे हैं। ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता। नहीं, मेरा देखो बेटी, नहीं, या तो बच्चा बच्चा नहीं। अरे ये क्या? भगवान का प्रसाद। भगवान का प्रसाद? हाँ माँ, मुझे नौकरी मिल गई है। मैं भगवान का शुक्रिया अदा करने मंदिर गया था, वहां एक बेचारी इसे जन्म के प्रलोक से धार गई। पुजारी जी ने ये बच्चा मुझे दे दिया, मैंने ले लिए। हम इसे रख सकते हैं ना माँ? बेटे, बच्चे तो भगवान के रूप होते हैं। काश ये बच्चा तेरा अपना होता। अरे माँ, इस दुनिया में अपना पराया कुछ नहीं होता। कुछ लोग अपनों को पराया समझ के ठुकरा देते हैं
और कुछ पराए को अपना लेते हैं। बस जिसे अपना रहा वही अपना बन जाता हूँ। मैं अपने बेटे के लिए थोड़ा सा दूध ले आता हूँ। ओ मेरा बेटा। सिस्टर प्रीति को क्या हुआ? लड़का लेकिन मरा हुआ। भगवान की यही इच्छा थी बेटी, तुम बेहोश थी और डॉक्टर भी यही कहते थे कि बच्चे को जल्दी ही। लेकिन पिताजी कम से कम मुझे उसकी सूरत तो दिखा दी होती। बेटी बेटी सुनकर बड़ा दुख हुआ। भगवान की ये कैसी लीला है, उसने तुमसे तुम्हारा बेटा और इससे इसकी मां छीन ली। किसका बच्चा है ये? मंदिर के पुजारी ने मेरे बेटे को पालने के लिए दिया है। ले ले बेटी। देखा आपने प्रीति के गोद में कितना प्यारा लगता है ना बेटी? इसे तुम ही रख लो, समझ लो तुम्हारा ही बेटा है। मेरा बेटा? हाँ बेटी, तुझे बेटा मिल जाएगा और इसे माँ। माँ जी, मुझे जिंदगी में ना तुम्हें ही मिली और ना ही माँ बनना नसीब हुआ। अगर मेरी तकदीर में बच्चा होता तो भगवान मुझसे मेरा बच्चा क्यों छीनता? भगवान करे ये आपकी और आपके बेटे की गोद में लाखों बरस जिए। इसे आप ही रखिए। क्या बात है? अरे बाबा बच्चा तो ले लिया, उसका पेपर भी तो साइन करना है। ये बच्चा तो उसे मंदिर के पुजारी ने दिया है। कोई पुजारी उजारी नहीं, डॉक्टर ने दिया है। डॉक्टर ने? सुनो ये अंदर का बात है, हम तुमको नहीं बता सकता, पर तुम्हारे बेटा को सब कुछ मालूम है, उसको अंदर ही भेज देना है। जल्दी जल्दी गई थी तुम? अंदर आ। ये बच्चा तुझे कहां से मिला? मंदिर से, कहा ना पुजारी ने दिया था। फिर इस बच्चे के कागजात साइन करने के लिए डॉक्टर साहब ने तुझे क्यों बुलाया? मुझे मालूम नहीं। नर्स कहती थी ये बच्चा तुझे डॉक्टर साहब ने दिया है। ओहो माँ, कहा ना पुजारी ने दिया है, नर्स झूठ बोलती है। कहीं ये बच्चा प्रीति का तो नहीं? प्रीति? कौन प्रीति? आज यहां सिर्फ प्रीति को बच्चा हुआ है और मुझे लगता है ये उसी का बच्चा है। बोलता क्यों नहीं? सच सच बता, अंदर की बात क्या है जो सिर्फ तुझे मालूम है? प्रीति से ये क्यों कहा गया कि उसका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है, और फिर उसका ये बच्चा तुझे क्यों दिया गया? प्रीति से तेरा क्या ताल्लुक है? मेरी बात का जवाब देता है या मैं प्रीति से जाकर पूछूं? ओफो मां, भगवान के लिए अभी मुझसे कुछ मत पूछो। मेरी कुछ मजबूरियां हैं, जब वक्त आएगा तुम्हें सब बता दूंगा, सब कुछ बता दूंगा। प्रीति
रही हूँ। क्या हुआ माँ? बेटे, इस वक्त मैं इमराज को नहीं टाल सकती। एक बार अपने मुंह से कह दे, ये तेरा बेटा है, मेरा पोता है। बेटे, मेरे पास वक्त नहीं है, जल्दी से बोल बेटे, बेटे। हाँ माँ, ये तेरा पोता है, मेरा लाल, मेरा लाल, मेरा माँ। दुख होए हंसते ही रहना। ऐ मेरे बेटे सुन मेरा कहना, चाहे दुख होए हंसते ही रहना। साथी तेरा मैं सहारा हूँ, मेरा तू सहारा है, जान से भी प्यारा है। आजा आजा ऐ मेरे बेटे सुन मेरा कहना, चाहे दुख होए हंसते ही रहना। रखना भरोसा उस पे सदा, जिसने है सबको जन्म दिया। कल तेरा पापा रहे न रहे, अब जो कहा फिर कहे न कहे। कहा न भुलाना तू, वही रखवाला है, उसी को बुलाना तू। आजा आजा मेरे बेटे सुन मेरा कहना, चाहे दुख होए हंसते ही रहना।
सोचा था क्या और क्या लाया, देते हुए जी भर आया, ले ये बैसाखी ले ले रे मेरे अभागे हाथों से, इसी के सहारे चल चल मेरे प्यारे चल, पापा के दुलारे चल, आजा आजा ए मेरे पापा, सुन मेरा कहना, चाहे दुख होवे हंसते ही रहना, जल्दी आ गई? जी मास्टर जी, आज मुझे जल्दी जाना है, एक खास बात है। आज वाकई कोई खास बात है। देखते रहो मनोहर। अरे भाई, हम भी तो कई चीजों में मास्टर हैं, कभी हमसे भी ट्यूशन लेकर क्या क्या दाव पेच सिखाते हैं तुम्हें। कर ले बकवास बेटे, कर ले। मास्टर जी का एक हाथ पड़ गया ना तो सारे दांव पेच भूल जाएगा। अरे कह के तो देख ले, उधर दो हाथ है और इधर आठ। बा अदब बा मुलायजा होशियार, मलकाए स्केटिंग मिस डिकी रिंग में तशरीफ ला रही है। केयरफुल केयरफुल। थैंक यू वेरी मच मास्टर जी, अगर वक्त पर आप मेरा हाथ में पकड़ लेते तो मैं भी राहुल की तरह। I'm sorry, मास्टर जी। ओह मास्टर जी, मुझे भी सिखाइए ना। देखो देखिए, अब तुम अच्छी तरह से स्केट कर रही हो, अब तुम्हें हाथ पकड़ कर स्केट कराने की जरूरत नहीं। मास्टर जी, शायद आपको नहीं मालूम कि हिंदुस्तानी लड़की जब भी किसी का हाथ पकड़ लेती है ना तो जिंदगी भर नहीं छोड़ती। देखिए, शायद तुम्हें भी ये नहीं मालूम कि हिंदुस्तानी मर्द जब एक बार शादी कर लेता है तो किसी दूसरी लड़की के बारे में सोचता भी नहीं, समझे? पापा, आ गए। पापा, देखो ना हम आ गए। हेलो बड़े, आज कोई रिमार्क वगैरह तो नहीं लाए ना? सिर्फ एक है पापा। क्या? एक लड़के ने मुझे माँ बाप की गाली दी, फिर भला मैं चुप रह सकता था? मैं भी शुरू हो गया दे दनादन दे दनादन, फिर आखिर में मैंने एक लात मारी तो धड़ाम से जाकर गिरा। अच्छा देख बेटे, तेरे लिए सैंडविच और गरम गरम दूध रखा, जा ले ले, जा। शाबाश। वाह बेटा वाह, देखने में तो तू भी मेरा बाप है। Thank you.
पापा तो कोई गिरता है तो लोग हंसते क्यों हैं? दुनिया का दस्तूर है बेटे, दुनिया गिरतों को देखकर खुश होती है। लेकिन मैं गिरता तो लोग सहारा देते। तुम अभी बच्चे हो ना, इसलिए जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हें भी सहारा देने वाले बेसहारा करके चले जाएंगे। मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं पापा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो अच्छा हो जाऊंगा और मेरे पैरों में इतनी ताकत आ जाएगी कोई मुझे गिरा नहीं सकेगा। लेकिन तब तक तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा और मुझे सहारे की जरूरत पड़ेगी। मैं सहारा दूंगा पापा और माँ की तरह छोड़कर नहीं जाऊंगा। सच बेटे। ए, क्या फसल फसल आ रही है तुम दोनों में? एटिकी ये हमारी आपस की बात है समझी। अच्छा बाबा अच्छा, सुन शाम को चलेगा मेरे साथ एयरपोर्ट? एयरपोर्ट क्यों? आज भैया आने वाले हैं ना विलायत से, उन्हें लेने जा रही हूँ। जाऊँ पापा? मेरा खूबसूरत खूबसूरत पापा। राहुल प्लेन आ चुका है, मैं टिकट लेने जाती हूँ, तू आ। अच्छा लगी तो नहीं थोड़ी सी। आप इतनी तेज गाड़ी क्यों चलाते हैं? इसमें मेरा क्या कसूर है? इस अपाहज को भी देखकर चलना चाहिए था। ए मोटर वाले, अपन नहीं नहीं तुम हो, आंखों पर चश्मा लगाओ, सड़क पर मोटरों के साथ साथ आदमी भी चलते हैं। अरे ओ बदतमीज लड़के, सड़क पर देखकर खुद नहीं चलता, मुझे चश्मा लगाने को बोलता है। क्या नाम है तुम्हारा? नाम और पता तो तुम अपना बताओ और लाइसेंस का नंबर भी, पुलिस में रिपोर्ट करनी है। चलो बोलो। बेटी इस बार जाने दो, माफ कर दो। आप कहती हैं तो माफ किया, जा जाओ माफ किया। बहुत बहादुर लड़का है, आपसे भी नहीं डरता। छोड़ो इसे। ए भाई ये ले मिठाई खा लेना। मिठाई खाने के पैसे मेरे पास दिए, ये तुम रखो और चश्मा खरीद लेना। राहुल समझे? जल्दी करो, भैया कस्टम से बाहर आने वाले हैं। हेलो प्रीति जी। हेलो हेलो, कैसी हो? अच्छा। कौन है ये? ये है मेरा दोस्त राहुल जी। तेरा? हाँ। मेरी होने वाली भाभी और वो है मेरे भैया के होने वाले ससुर। टिकी तुम्हारे भैया ने दुल्हन तो बड़ी मजेदार चुनी है, लेकिन ससुर चुने में मार खा गए। क्या हुआ? क्या हुआ अमर? चक्कर आ गया, वही चक्कर जो एक दिन मेरे जाने के गम में तुम्हें आया था, वही चक्कर आज मुझे अपने वापस आने की खुशी में आ गया। वो किसी ने कहा है ना कि गश आ गया दिलेयार को बीमार देखकर, और गश आ गया बीमार को दिलदार देखकर। बस आते ही मजाक, देखो तो पहचाना, बोलो तो कौन है? अरे 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 अरे, अरे भाई शायद हमने आपको पहले भी कहीं देखा है, कौन है आप? मैं टिक्की हूँ। अरे आप टिक्की कैसे हो सकती हैं? टिक्की तो मेरी छोटी सी किच्छी वाली बहन थी जिसके लिए मैं गुड़िया लाया हूँ। अब ये मेरी गुड़िया खेलने की उम्र थोड़ी है। हाँ अंकल, इसकी सिर्फ उम्र ही बड़ी है लेकिन अक्कल में मेरे से भी कमजोर। अच्छा बड़े मियाँ आप भी हैं, मगर कौन है आप ये तो बताइए। राहुल ये मेरे स्केटिंग मास्टर जी का बेटा है। अच्छा 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 बेटे, ये बीमारी आपको कब से हुई? जब से चलने का लायक हूँ बस इन्हीं के सारे चल रहा हूँ। अरे प्रीति ठीक है, ऐसा ही केस मेरे पास वहाँ भी आया था, मैंने उसे ठीक कर दिया था। बेटे हम आपको भी ठीक कर देंगे। अरे अमर बेटे तुम तो एयरपोर्ट पर ही हॉस्पिटल खोल बैठे, घर चलो आराम करो। भैया हाँ? आप कहने की खुशी में कल शाम को मैंने एक पार्टी रखी है, क्यों नहीं इन्हें भी बुला लें? अरे व्हाई नॉट, एक्सलेंट आइडिया। अच्छा बेटे एक काम कीजिएगा आप, कल पार्टी में अपने डैडी मम्मी को भी साथ लेकर आइएगा, मुझे इस बीमारी के बारे में उनसे कुछ बातचीत करनी है, समझे? डॉक्टर अंकल मेरे पापा हैं, मम्मी नहीं। सॉरी बेटे।
डॉक्टर अंकल, मेरे पापा किसी पार्टी पार्टी में नहीं आते, वो पार्टी में बोर हो जाते। उनसे कहो जरा इस पार्टी में आकर देखें तो सही। क्यों प्रीति? हाँ हाँ, हम वादा करते हैं हम उन्हें एक सेकंड के लिए भी बोर नहीं होने देंगे। तुम तो मुझे ऐसा देख रहे हो जैसे पहली बार देखा हो। हाँ, यही तो खूबी है तुम्हें। जब भी तुम्हें देखता हूँ तुम में कोई ना कोई नया रूप नजर आता है मुझे। जर्मनी में भी तुम हर लड़की से यही सब कहते होगे, है ना? जरूर कहता, अगर तुम जैसी कोई अच्छी लड़की नजर आती। नजर आ जाती तो अच्छा होता, कम से कम मैं तो जिम्मेदारियों से बच जाती। अब तो बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है फंस जाना। तुम मुझे अपनी शरण में ले लो, खुद मेरी शरण में आ जाओ, उसके बाद हम दोनों की जिम्मेदारियां एक, जीवन एक, आत्मा एक, शरीर एक। बस 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 बस। अरे यार, अब तो शादी कर दो इन दोनों की, वरना लड़का फिर से 14 बरस के लिए जर्मनी के वनवास को चला जाएगा। हाँ, मुझे अपनी तरह बेवकूफ समझ रखा है क्या? मैं आज इन दोनों की शादी की अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। हेलो सर, हाउ आर यू? हाउ इज एवरीथिंग सर? प्लीज लुक आफ्टर योरसेल्फ, ओके? ए टिकी, टिकी, क्या हुआ, मुंह बना करके खड़ी है? देखो ना भैया, राहुल और मास्टर जी अभी तक नहीं आए। राहुल और अरे तो आ जाएंगे ना, उनके बगैर पार्टी में दिल नहीं लगता क्या? तुम तो डॉक्टर हो ना भैया, और डॉक्टर के लिए दिल जिस्म का एक हिस्सा और कुछ भी नहीं। अरे ए टिकी, तुम्हें अभी से दिल की बीमारी लग गई? अरे क्या कह रही हो, मेरी टिकी तो अभी बिल्कुल बच्ची है ना बच्ची? ओहो, मैं आपको कैसे समझाऊं? लता और रीटा कहते वो नहीं आएंगे, मेरी उनसे शर्त लगी है। फिर एक काम करो, इन दोनों उंगलियों में से एक उंगली पकड़ लो, फिर तो आएंगे। टिक्की, हम लोग शर्त हार गए। योर मास्टर जी। मास्टर जी, मैं तो समझी थी आप आएंगे नहीं। ए टिक्की, ये तुम्हारे कहने से नहीं, हमारे कहने से आए। अच्छा बाबा, अच्छा, तुम्हारे कहने से ही सही आए तो चलिए, देर आया दुरुस्त आए। एक्सक्यूज मी टिक्की, आप दोनों का कब से इंतजार कर रही है? मैं हूँ टिक्की का बड़ा भाई डॉक्टर अमर। मैं हूँ प्रेम, राहुल का डैडी। नमस्ते डॉक्टर अंकल। नमस्ते बेटा। राहुल आपकी बहुत तारीफ कर रहा था। और टिक्की आपकी। डॉक्टर साहब, आपने मेरे बेटे के लिए जो हमदर्दी दिखाई है, मैं उसका शुक्रिया। अरे भाई, हमदर्दी बिल्कुल नहीं, ऐसा ही एक केस मेरे पास जर्मनी में आया था। आप एक काम कीजिए, राहुल के केस की हिस्ट्री जरा मुझे बताइए। आइए मेरे साथ, लुक आफ्टर हिम। आइए। होगी यहीं कहीं। अच्छा बोल, क्या खाएगा? चीज, वेफर, केक्स, आइसक्रीम। आइसक्रीम, अच्छा खैर मैं देखती हूँ। जर्मनी में जिस बच्चे का मैंने इलाज किया था वो केस राहुल के केस से कम कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन उस केस का मतलब है कि राहुल का ठीक होना मुश्किल है? नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। दरअसल केस थोड़ा मुश्किल ना हो प्रेम साहब तो इलाज का मजा नहीं आता है। अच्छा एक बात बताइए, राहुल को उसकी माँ की जुदाई का अफसोस तो होता ही होगा? नहीं, मैंने उसे माँ और बाप दोनों का प्यार दिया है। शायद आपको नहीं मालूम डॉक्टर साहब, राहुल की माँ उसे प्यार नहीं करती थी, वरना उसे छोड़कर क्यों चली जाती? क्या औरत का दिल इतना सख्त भी हो सकता है? औरत औरत में फर्क होता है डॉक्टर साहब। Where did you come? How about a drink? Waiter. अच्छा क्या पियेंगे आप? विस्की विद सोडा और विस्की विद वॉटर? जी आप कुछ ना कुछ पियेंगे, खैरी मैं आता हूँ। आंटी। अरे तुम आ गए, हम तो कब से आए हुए, आप ही का पता नहीं था। आओ हम आपको अपने पापा से मिलाएं। तो चलो बेटे, एक्सक्यूज मी। अरे नमस्कार। हाय पापा। खूबसूरत खूबसूरत आंटी और हमारी खूबसूरत खूबसूरत मंगेतर भी, हम दोनों डॉक्टर भी हैं और मरीज भी, या यूं कहिए इनका इलाज मेरे पास है और मेरा इलाज इनके पास। अगर आप दोनों एक दूसरे का इलाज करते रहे तो बेचारे मरीज का क्या होगा? जी क्या मतलब? मैं इस मरीज का जिक्र कर रहा था, ये मेरा छोटा सा दिल, मेरा जिगर,
मेरा सब। हाँ 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 आमर बेटे तुम्हें अंकल हैव यू मेट हिम? मिस्टर प्रेम राहुल के डैडी हैं और ये है प्रीति के डैडी मिस्टर हीराचंद। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आओ बेटे तुम्हें कलेक्टर साहब से मिलाऊं। आओ प्रीति आओ। पापा यही है वो मोटर वाले से जाने अपने आप को क्या समझते हैं? बेटे बड़ों को ऐसा नहीं कहते। सॉरी पापा। एक्सक्यूज मी अंकल। भैया शायद ये ले आइसक्रीम। से थैंक यू। थैंक यू सेठ जी। ए तुम कहाँ जा रही हो? नमस्ते सेठ जी। हेलो गेम शुरू करो ना। कौन सा गेम? म्यूजिकल चेयर। म्यूजिकल चेयर और यहाँ? यहाँ नहीं तो और कहाँ। गेम नहीं होगा तो हम अपने पापा को लेकर वापस चले। अच्छा बाबा अच्छा। ठहर जा। लेडीज एंड जेंटलमैन अब हम म्यूजिकल चेयर शुरू करते हैं। जो जीतेगा वो गाना गाएगा। ए टिकी ये क्या बचपना है? राहुल की फरमाइश है। फरमाइश करेगा तो मैं आइंदा तेरे साथ कभी पार्टी में नहीं आऊंगा। क्यों? इसका दिल रखने के लिए हो जाने दीजिए ना। हाँ हो जाने दीजिए प्रेम साहब। इसी बहाने कुछ पुरानी यादों को ताजा कर लेंगे। यहाँ क्यों आए हो? आपको तो मालूम है सेठ जी मैं हमेशा अनजाने में गलत वक्त पे गलत जगह पहुंच जाता हूँ। लेकिन घबराइए नहीं मुझे अपना वादा याद है। पसीना पहुंच लीजिए। अरे मिल गई सीट। शाबाश। अच्छा आंटी आपको मैं आंटी कहता हूँ। डॉक्टर साहब को अंकल और आपके डैडी को क्या कहूँ? नाना जी कहूँ? नाना जी। मास्टर जी आप पार्टी में मुझसे बात क्यों नहीं करते? तुम्हारे साथ क्या बात करूं? आज तो मुझे तुम्हारे भाई के साथ बात करनी है। राहुल के साथ साथ मेरी भी बात छेड़ दीजिए ना। नाना जी। नाना जी नहीं सेठ जी। अच्छा बाबा सेठ जी। सेठ जी टिकट खरीदेंगे अनाथ आश्रम के लिए? नहीं। ले लीजिए ना बस 8500 टिकट है। एक बार कह दिया ना कि नहीं। अरे ले लेना यार इतना पैसा लेके जाएगा कहाँ। हाँ, बहुत पुण्य लगेगा आपको। हाँ पुण्य लगेगा। ये लो आपके बच्चे जी हैं। देखा आपने डैडी ने आपके बेटे से सारी बुक खरीद ली। दौलत वाले क्या नहीं खरीद सकते। दौलत वालों के आगे तो लोग सब कुछ बेच देते हैं। मेरे बेटे ने तो सिर्फ एक किताब ही बेची है। राहुल की माँ को आप साथ नहीं लाए? साथ ही तो है। कहाँ? मेरे दिल में।
आपकी पसंद बहुत अच्छी है डॉक्टर अमर, इसीलिए तो हम दोनों ने एक दूसरे का 7 साल तक इंतजार किया है। अच्छा कहिए जनाब, अगर आप मेरी जगह होते तो प्रीति जैसी लड़की का इंतजार नहीं करते? जरूर करता, जिंदगी भर करता। आप बहुत खुशकिस्मत हैं डॉक्टर साहब। आपने ठीक कहा था प्रेम साहब, औरत औरत में फर्क होता है। गाओ बेटे। ला 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 ला। नहीं नहीं राहुल, ये गाना मत गाओ। गाने दीजिए ना, गाओ बेटे यही गाना गाओ, गाओ। ला 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 पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल भाता कोई। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल भाता कोई। जाने तू अपना है क्या, जिए मरे चाहे कुछ हो, तुझको तो जीना रासा गया। जाने तू या जाने ना, हो माने तू या माने ना।
आपने तालियां बजाई, आपने नहीं। लगता है आपको गाना पसंद नहीं है। जी जी ऐसी बात नहीं है प्रेम साहब, बिल्कुल नहीं। एक्चुअली शी इज वेरी सेंसिटिव, यू नो। सेंसिटिव, किसी का दुख ये नहीं देख सकती, है ना? इतना अच्छा गाना और फिर बच्चे की हालत देखकर इन्हें रोना आ गया। वैसे इतने होनहार बच्चे के साथ ये जुल्म होना नहीं चाहिए था। मैं इसका ट्रीटमेंट करूंगा और ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अंकल, सभी डॉक्टर यही कहते हैं, लेकिन ठीक करके आज तक किसी ने नहीं बताया। अच्छा तो नंदन मियां, आप हमें चैलेंज कर रहे हैं, हैं? राहुल, फिर तूने उल्टी सीधी बात की। भाई, इन्होंने बिल्कुल सीधी बात की है। हम नंदन मियां आपका चैलेंज कबूल करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आप लोगों के सामने एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं। अमर बेटे, पहले मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है। सॉरी अंकल, इज्जत का सवाल है। पहले मैं अपनी अनाउंसमेंट कर लूं तो ज्यादा बेहतर होगा। आज हम आप सबों के सामने वादा करते हैं कि जब तक हम राहुल की टांग ठीक नहीं कर देते, हम शादी नहीं करेंगे। पापा, आंटी अच्छी थी ना? मेरी पसंद है ना मजेदार। आखिर तू बेटा किसका है? अपने खूबसूरत खूबसूरत पापा का। और अपनी खूबसूरत खूबसूरत मम्मी का। पापा, मेरी मम्मी आंटी से ज्यादा खूबसूरत थी क्या? बेटे, जब मैं पहली बार तुम्हारी मम्मी से मिला था ना, तो वो बहुत खूबसूरत खूबसूरत लगी थी। न जाने उसका रूप कैसे बदल गया, उसकी बातों की मिठास बदल गई, उसकी आंखों का प्यार बदल गया। पापा, आज आंटी को देखकर मुझे मम्मी की बड़ी याद आ रही है। तुम कहते थे ना कि फोटो दिखाऊंगा, आज दिखाओ ना, नहीं तो हम नहीं सहेंगे। राहुल, देखिए मुझे पापा, मैंने माँ तो नहीं मांगी, माँ की फोटो ही तो मांगी। राहुल, राहुल मत रो, राहुल मत रो। मैं तुझे अपनी मजबूरी कैसे समझाऊं राहुल? मैं तुझसे वादा करता हूँ, जब वक्त आएगा मैं तुझे तेरी माँ से जरूर मिलाऊंगा। मास्टर जी, स्केटिंग सीखने आई हूँ। ओके बॉयज एंड गर्ल्स, स्केट ऑन। फीस भर दी मैंने, लाइफ मेंबर भी बन गई हूँ। अब सिखाएंगे ना? आपको भला मैं क्या सिखा सकता हूँ? आपको तो अच्छी तरह से स्केटिंग आती है। तभी आती थी, लेकिन भूल गई हूँ। फिर से सीख लूं तो क्या हर्ज है? जो एक बार सीख कर भूल जाए वो दोबारा भी भूल सकता है। नहीं, अब की बार जरूर याद रखूंगी, लेकिन पहले आप सिखाने को तो राजी हो जाइए। सिखाना मेरा काम है, सीख कर याद रखना या भूल जाना आपका। आइए चलिए,
आई थी। एक बात बताओ प्रेम। प्रेम नहीं, मास्टर जी। अच्छा मास्टर जी, क्या आप सिर्फ अपनी बीवी से ही प्यार करते थे? दो चीजें एक साथ नहीं हो सकती प्रीति जी, स्केटिंग के वक्त सिर्फ स्केटिंग। वो आपको छोड़कर क्यों चली गई? आपके पांव के नीचे पहिए हैं, अगर ये धोखा दे जाए तो आप बुरी तरह से गिर सकती हैं। स्केट पर ही ध्यान रखिए। क्या आप अपनी जिंदगी इसी तरह काट देंगे? दोबारा वो सीखता है जो पहली दफा सीखकर भूल जाए। आपको स्केटिंग अच्छी तरह आती है, आपको सिखाने की जरूरत नहीं। जोड़ी अच्छी लग रही है, और नई मास्टरनी को मास्टर जी सिखा भी बड़े प्यार से रहे हैं। मास्टर जी, इनका टाइम फिनिश, अब मेरा टाइम शुरू होता है। हाय टिक्की। आपको स्केटिंग सीखने का शौक कब से पैदा हुआ? शिमला में शुरू हुआ किया था, लेकिन लेसन अधूरा रह गया। यहाँ आकर जब तुम्हारी मुंह से मास्टर जी की इतनी तारीफ सुनी तो शौक फिर से जाग उठा। देखिए, ना तो मेरी इतनी तारीफ करती हैं और ना इनका शौक फिर से जागता। चलिए मास्टर जी, सिखाइए। चलिए। हेलो राहुल। हेलो आंटी, तुम भी स्केट में? मेरे सिवा कभी स्केट करने लगे? नहीं बेटे, एक दिन तुम भी स्केट करने लगोगे। हाँ अरे अरे आंटी, संभल के गिर जाओगी तो मेरे जैसे आल हो जाएंगे। आओ बेटे, चलो हाँ चलकर बैठते हैं। मास्टर जी, विल यू प्लीज शो मी हाउ टू मेक एन एट? ऑफ कोर्स। देखिए, थोड़ी देर के लिए तुम खुद स्केटिंग करो। हाय हाय, अब तो तुम्हें सिखाने के लिए मास्टर जी के पास वक्त तक नहीं है। शट अप राहुल, तुम्हें माँ की तो बहुत याद आती होगी। याद ही आती, लेकिन वो नहीं आती। कोई बात नहीं, माँ भी आ जाएगी। पापा भी यही कहते हैं, लेकिन माँ आए या ना आए मुझे उसकी परवाह नहीं। मैं पापा के साथ बहुत सुखी हूँ। अच्छा, तो तुम्हें माँ की जरूरत नहीं है? आंटी, मैं तो यूं ही फेंक रहा था, अगर मेरी माँ तुम्हें मिले तो उसे ये सब ना करना, वरना वो आने वाली भी होगी तो नहीं आएगी। मैं तो ये बिल्कुल नहीं कहूँगी, बल्कि ये कहूँगी कि तेरा राहुल तेरा रास्ता देख रहा है। सच्ची आंटी? अरे यार, कहीं से धुआं निकल रहा है। धुआं हुआ कुछ नहीं, किसी का दिल जल रहा है। दिल? हाँ। बेचारी बड़ी उम्मीदें लगाए बैठी थी। नई मास्टर नहीं है, बड़ी होशियार, सारे दांव पे जानती है। एकी की तरह वो भी बच्चे को पटा रही है। देख 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 देख। पापा। खबरदार, अगर दोबारा ऐसी हरकत इस रिंग में की तो याद रखूंगा, दोबारा ऐसी हरकत इस रिंग में कभी नहीं होगी। ये हुई ना बात मास्टर जी, मुझे मालूम था आप मेरी मदद को जरूर आएंगे, जैसे फिल्मों में हीरो हीरोइन को बचाने के लिए आता है। जाओ आप स्केट करो। Come on boys and girls, skate, start skating. मास्टर जी, राहुल को मैं अपने साथ घर ले जा सकती हूँ, शाम को वापस भिजवा दूंगी। लेकिन इसे पढ़ना है, इसके इम्तिहान आ रहे हैं। मैं इम्तिहान के लिए तैयार हूँ पापा, जाने दो ना। जाने दीजिए ना। मैं इसे अपने जैसे नहीं बनाना चाहता प्रीति जी, मैं हर इम्तिहान में फेल हुआ हूँ। लेकिन ये हर इम्तिहान में पास हो। जाने दो ना मेरे खूबसूरत खूबसूरत पापा, प्लीज। अच्छा, लेकिन जल्दी वापस आना। प्रॉमिस। जा। तुम यहाँ बैठो, मैं कपड़े बदल के आती हूँ। रामू,
इनके लिए फ्रूट वगैरह लेके आओ। ए, क्या कर रहा है? गोलियां खेल रहा हूँ। कौन सी मारूं, काली या सफेद? काली। गोलियां खेलेंगे। एक बार चुक गया तो क्या हुआ? अरे क्या चुक गया, एक बार जब हम तुम्हारी उम्र थे तो हमारा निशाना कभी चुकता ही नहीं था। आपको गोलियां खेलना आता है? खेलना? अरे अपने जमाने में चैंपियन था। सच? मैंने फेंकते आप, अगर सच्ची आप चैंपियन थे तो जय दो दो। चैलेंज करता है? हाँ, हो जाए। अल्लाह, ये काली और एक सफेद, ये अब बता कि काली को उड़ाऊं या सफेद को? सफेद को। सफेद को। अगर नहीं लगी तो चार देनी पड़ेगी। और अगर लग गई तो? मैं दूंगा। तो ठीक है, फिर चल जा। ए पीछे पीछे। हाँ पीछे। अच्छा पीछे। सफेद बोला था ना? हाँ हाँ। आ बम्बारा। लाओ निकल चार गुलिया। निकल 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 निकल। चार गुलिया जीत ले। लो लो, अब तुम फेंको और चलो। कौन सी मारूं, काली या सफेद? काली। अगर नहीं लगी तो कितनी देगा? चार और दूंगा। अच्छी बात है, लगा। ये हमारा। आहा, नहीं लगी। ला चार और ला 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 ला।
रखना है। ए, सेब खा ले सेब। आप क्या देखा? अपना तो मूड ही खराब हो गया। ओह, अरे हार गया तो मूड खराब हो गया है? मुझे क्या मालूम था कि आप सचमुच के चैंपियन हैं? मैं तो समझा आप मेरी तरफ फेंक रहे हैं। जेब तो कट गई, अब सेब काट कर खिलाइए ना। अब तो खुद काटिए ना। मैं काटूंगा तो हाथ कट जाएगा, हाथ कट जाएगा तो खून निकलेगा, खून निकलेगा तो डॉक्टर पास जाना पड़ेगा, डॉक्टर पास जाऊंगा तो सुई लगाएगा, सुई लगाएगा। अरे बस 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 बस, ओहो तेरी जबान बहुत तेज चलती है। क्या करूं सेठ जी, टांग तेज नहीं चलती ना, इसलिए जबान तेज चलती है। क्या देख रहे हैं सेठ जी? देख रहा हूँ कि भगवान किस किस तरह इम्तिहान लेता है। ये लो, खाओ, खाओ। अब ये खाइए ना। नहीं तुम खाओ। जीत गए तो क्यों नखरे दिखा रहे हो? खाओ ना। यहाँ बैठ कर खाओ। ये रख दो यहाँ। आपके गोद में राहुल कितना अच्छा लगता है। आज अगर वो होता तो राहुल जितना ही होता और इसी तरह आपकी गोद में खेलता। वो कौन आंटी? आपके घर में भी कोई बच्चा था क्या? हाँ बेटे। अब वो कहाँ है? भगवान ने उसको इस घर में आने से पहले ही अपने घर बुला लिया। गुजरी बातों को भूल जाओ प्रीति, उन्हें याद करके दुख होता। हाँ आंटी, सेठ जी ठीक कहते हैं, गुजरी बातों को याद करके दुख होता है। मेरे पापा को भी जब माँ की याद आती है ना तो उन्हें भी बहुत दुख होता है। क्या आप सिर्फ अपनी बीवी से ही प्यार करते थे? ना कोई दिल में समाया, ना कोई पहलू में आया, जाके भी पास रही तुम ही हो। जाने जा जाने मन, जानती हो ना कोई दिल में समाया, ना कोई पहलू में आया, के भी पास रही तुम ही हो। जाने जा जाने मन, जानती हो वो आपको छोड़कर क्यों चली गई? तुमने दामन चुराया, तुम जानो मैं क्या बताऊं, मुझ में ही कुछ ऐब होगा, क्यों तुम पे तोहमत लगाऊं। मैं तो यही कहूंगा, पूछोगी हो।
क्या आप अपनी जिंदगी इसी तरह काट देंगे? तुम जो मुझे दे गई हो एक खूबसूरत निशानी, लिपटा के सीने से उसको कट जाएगी जिंदगानी। मैं तो यही कहूंगा, पूछोगी जब भी जाके भी पास रही तुम ही, ओ जाने जा जाने मन। जानती हो ना कोई दिल में समाया, कोई पहलू में आया, जाके भी पास रही तुम ही, ओ जाने जा जाने मन। पापा, आप अकेले स्केट कर रहे थे? राहुल चला गया था ना, दिल नहीं लग रहा था। इसका भी आपके बिना दिल नहीं लगता। मैंने कितना कहा हमारे साथ खाना खा लो, पर नहीं माना। राहुल, तूने प्रीति जी और इनके डैडी को परेशान तो नहीं किया ना? बिल्कुल नहीं पापा, बिल्कुल परेशान नहीं किया। मैं तो ये सोच रही थी मैं इसे हर शाम अपने साथ घर ले जाया करूंगी। प्रीति जी, इतना मेल जोल ना बढ़ाइए। अगर इसे महलों में रहने की आदत पड़ गई ना तो ये गरीब बाप की झोपड़ी को भूल जाएगा। पापा, ये तो बातें छोड़ो ना, मैं भूख लगी है। अच्छा, खाना तैयार, चलो। अच्छा नमस्ते प्रीति जी। है? अच्छा नमस्ते प्रीति जी, क्या आंटी हमारे साथ खाना खाएगी? हा? पापा, अगर खाना कम पड़ गया तो मैं कम खा लूंगा, लेकिन एक बार कहकर न करना बैड मैनर्स। लेकिन मैंने इसलिए कहा था कि शायद इन्हें हमारा खाना पसंद ना आए। ऐसी बात नहीं, मुझे तो हर तरह का खाना पसंद है। चलो फिर। चलिए फिर। आइए। ये तीसरी प्लेट, कोई आने वाला है क्या? ये मेरी माँ की है, कुर्सी भी और प्लेट भी। जब मेरी माँ आएगी तो यही बैठ के खाएगी हमारे साथ, है ना पापा? बार बार क्यों पूछते बेटा, जब आएगी तो बैठ जाएगी। लेकिन तुम यहाँ बैठ सकती हो आंटी, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो ना। जब टिक्की यहाँ बैठती है ना तब मुझे बहुत गुस्सा आता है। बैठो ना आंटी। पहले अपने पापा से तो पूछ लो। इसमें पूछना क्या है, अगर आप राहुल का दिल रखना चाहती हैं तो बैठ जाइए, वरना आपकी मर्जी। प्रीति अभी तक नहीं आई? नहीं साहब। बाकी अब खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। मजबूरियों ने बहुत सी बातें सिखाती हैं प्रीति जी, उनमें से ये भी एक। आंटी, पान खाओगी? यहाँ बहुत अच्छा पान मिलता है, ले आओ। ले आओ। कौन सा पान, बनारसी या कलकत्ता? कोई भी, लेकिन मीठा मीठा। ठीक है, पापा का तो मुझे मालूम है, बनारसी सादा कच्ची सुपारी। मैं मदद कर दूं? नहीं 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 नहीं, आप तो मेहमान हैं और वो भी बहुत बड़े घर की, ये काम तो छोटे लोगों का है।
प्रेम, तुम प्यार के बड़े दावे किया करते थे ना, फिर शादी क्यों की? पहले प्यार की कामयाबी की खुशी। और ये तुम्हें छोड़कर क्यों चली गई? पहले महबूबा की वफादारी की खुशी में। ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो, ये कहो कि तुम उसको भी ब्लैकमेल करने में नाकाम रहे। उसके बाप ने भी पैसा देने से इनकार कर दिया होगा, इसलिए झोपड़ी में आकर रहना पड़ा। क्यों, ठीक है ना? आप बहुत चालाक हैं, सब कुछ जानते। काश मैं ये सब तुमसे मिलने से पहले जानती होती। यही तो इंसान के बस में नहीं है प्रीति जी, जब तक मुलाकात न हो कोई किसी को नहीं पहचान सकता। अगर मैं आपको और आप मुझे पहले पहचान लेती तो नौबत यहाँ तक कैसे पहुँचती? अब क्या इरादा है, कोई तीसरा घर बर्बाद करना है? अब आप ही बताइए ना, ये आदत कैसे बदल सकती है? कहावत मशहूर है, चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से ना जाए। वो तीसरी बदकिस्मत लड़की कौन है? टिक्की? टिक्की? नहीं, वो तो बच्ची है, उम्र में मुझसे बहुत छोटी, और फिर आपके होने वाले पति की बहन है, रिश्ता बहुत नजदीक का है, चोर भी एक घर छोटर चोरी करता है। लेकिन डॉक्टर अमर के पास काफी रुपया है, तुम जितना चाहो मांग सकते हो। हाँ हा, अच्छा वो आपने बता दिया, अब ये भी बता दीजिए कि ये सौदा कितने तक में पड़ जाएगा? जितने रुपये तुमने मेरे डैडी से मांगे थे मेरे ख्याल से उतने तो मिल ही जाएंगे। आपके डैडी से? क्यों, याद नहीं? ये अपनी चिट्ठी पढ़ लो, सब याद आ जाएगा। प्रीति, तुम तो जानते हो मैं अमीर नहीं हूं, मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ किया सिर्फ पैसों के लिए किया। अब शायद तुम ये कहना चाहोगे ये चिट्ठी तुमने नहीं लिखी, मगर मैं आज हम आप सबों के सामने ये वादा करते हैं कि जब तक हम राहुल की टांग ठीक नहीं कर देते हम शादी नहीं करेंगे। प्लीज प्रेम, कह दो कि ये चिट्ठी तुमने नहीं लिखी। जो आदमी तुम्हारे बेटे की जिंदगी के लिए अपनी खुशी कुर्बान कर सकता है, क्या तुम उसकी खुशी उसे छीन लोगे? नहीं प्रेम, नहीं, कह दो कि ये खत तुम नहीं लिखा है। आज पहली बार जिंदगी में सच बोलने का मौका है, तो झूठ कैसे बोलूं? ये चिट्ठी मैंने लिखी है। कमीने, जलील, बदतमीज, ये मेरी बदकिस्मती है कि मैंने तुमसे प्यार किया। और ये मेरी खुशकिस्मती है कि जिस नफरत का मुझे इंतजार था वो आज मुझे मिल गई। बड़े ढीठ हो तुम, लेकिन ये मत समझने ये तुम्हारी जीत हुई है। मेरी तरह तुम भी अपने आप को धोखा दे रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारा चेहरा पढ़ सकती हूँ। तुम आज भी मुझसे प्यार करते हो, तुम आज भी वही गाना दोहराते हो जो तुमने मेरे लिए गाया था, यहाँ तक कि तुमने अपने बेटे को भी वही गाना सिखाया है। प्रेम प्रेम, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो, मुझसे। नहीं, ये गलत, ये सच है। अपने बच्चे की कसम खाकर कहो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैं राहुल की कसम खाकर कहता हूं कि मैंने जिंदगी में सिर्फ राहुल की मां से प्यार किया है और किसी से नहीं। क्यों चली गई? ये आज की बात नहीं है बेटे, तुम्हारी आंटी चले जाने के लिए ही आती है, सिर्फ चले जाने के लिए। उठाना, मेरे ख्याल से फिजियोथेरेपी भी शुरू कर दीजिए।
जी वो हमने ऑलरेडी शुरू कर दिया है। अब तो मैं सिस्टर केनी ट्रीटमेंट शुरू कर रहा हूं और उसके बाद साइकोथेरेपी। वैसे केस मुश्किल नजर आता है। जी हाँ मुश्किल है, तभी तो मैंने फैसला किया है कि जब तक इस केस को ठीक नहीं कर दूंगा शादी नहीं करूंगा। कमाल है, इसके इलाज से शादी का क्या तल्लुक? घबराइए नहीं डॉक्टर साहब, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा और डॉक्टर अंकल की शादी भी जल्दी हो जाएगी। गुड, दैट्स द स्पिरिट। वैसे शादी किससे कर रहे हो? अमर, राहुल की लेटेस्ट एक्सरे रिपोर्ट दिखा रहे हैं, नीज एंड मूवमेंट स्लोली इंप्रूविंग। और प्रीति, नाइस टू सी यू, जस्ट द सेम, बिल्कुल वैसी हो। आप इन्हें जानते हैं? अच्छी तरह, ये तो मेरी स्टूडेंट रह चुकी है शिमला में। प्रीति, तुमने शादी कर ली उस लड़के से? जी जी नहीं। कमाल है, तुम तो कह दी थी वो तैयार है, इनकार किसकी तरफ से हुआ? हम दोनों की तरफ से। एक्सक्यूज मी, नाइस गर्ल मगर बेचारी, ट्रेजिक। क्या ट्रेजिक? इसके किसी से शादी होने वाली थी। डॉक्टर, पेशेंट नंबर 31 होस्ट में आ गया, आपको बुला रहे हैं। आप बैठिए, मैं भी आया। घबराने से कुछ नहीं होगा, आप एक्सरसाइज कंटिन्यू करते जाइए, थोड़ा टाइम लगेगा, सब ठीक हो जाएगा। एक्सक्यूज मी डॉक्टर साहब, ये है वो इंजेक्शन जो आपने मंगवाए थे। आप अंदर चलकर ऑफिस में बैठिए, मैं आ रहा हूँ। थैंक यू। आप यही दवाइयाँ कंटिन्यू करेंगे जब तक मैं लिख कर नहीं बदल दूँ। तुम भी यही हो? जी डॉक्टर साहब, मेरे बेटे राहुल का इलाज यहां हो रहा है। वो तो पोलियो पेशेंट। इसका मतलब है तुमने किसी और से शादी कर ली? जी। न्यू जनरेशन, न्यू थॉट्स, न्यू मॉरल्स। बाय द वे, वेयर इज योर वाइफ? जी वो मर चुकी है। ओह, आई एम सॉरी। अभी कुछ नहीं बिगड़ा, राहुल को मां की जरूरत है, प्रीति से क्यों नहीं शादी कर ली? प्लीज डॉक्टर साहब, मेरा नाम प्रीति के नाम के साथ ना लगाइए। क्यों? वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। एक्सक्यूज मी। साहब, मैं आपसे कुछ डॉक्टर प्रीति के बारे में जानना चाहूंगा, उम्मीद है आप सही से बताएंगे। प्रेम, वो शिमला वाले डॉक्टर सक्सेना यहां है? हाँ, मिल चुका हूं। क्या आपने उन्हें कुछ बताया था? हाँ, सब कुछ। वो अनजाने में डॉक्टर अमर के सामने हम दोनों के बारे में ऐसी बात कर रहे थे जिसे लगता है डॉक्टर अमर को शक हो गया है। अब क्या होगा? जर्मनी के बाद था, मैं इसी तरह एक बच्चे को इंजेक्शन लगा रहा था, उसकी मां भी बगल में खड़ी थी और उसने भी इसी तरह से मुंह बनाया था जैसा कि आपने। कहना क्या चाहते हैं आप, मैं इसकी मां हूँ? वैसा तो मैंने नहीं कहा। नहीं अंकल, दूसरा इंजेक्शन नहीं, इससे बहुत दर्द होता है। डॉक्टर अमर, इसकी पोटेंसी पहले वाले इंजेक्शन से हाई है,
जब ये पहले का दर्द बर्दाश्त न कर सका तो फिर राहुल मेरा पेशेंट है डॉक्टर प्रीति, ये क्या बर्दाश्त कर सकता है और क्या नहीं बर्दाश्त कर सकता देखना मेरा काम है। अगर आपसे बर्दाश्त नहीं हो सकता तो बाहर जा सकती हैं आप। मिस्टर प्रेम आप भी बाहर जाइए, एंड नो मैटर व्हाट हैपेंस हियर अंदर मत आइएगा और दरवाजा बंद करते जाइएगा। नहीं, ये मेरे पापा, इन्हें यहीं रहने दो। ये घर नहीं हॉस्पिटल है, समझे? पापा चुपचाप लेटे रहो, पापा के बच्चे। नहीं अंकल, इससे बहुत दर्द होता है। तुम इसके पैर पकड़ो और तुम इसके हाथ पकड़ो। मुझे यही रहना होगा, देखता हूँ तो कहाँ जाएगा। आपके बच्चे चल तो सकते नहीं है, पापा के पास जाएगा लगड़ा कहीं का। Get lost! I said shut up now! Shut up! क्या मैं पूछ सकती हूँ आपने राहुल के साथ ऐसा सुलूक क्यों किया? क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ डॉक्टर प्रीति, आपने मुझसे ऐसा सुलूक क्यों किया? मैं जानती हूँ डॉक्टर सक्सेना ने आपको सब कुछ बता दिया है। मैं भी मम्मी से पहले आपको सब कुछ बता देना चाहती थी लेकिन पिताजी ने रोक दिया। लेकिन इस बात का राहुल से क्या ताल्लुक है? मैंने कब कहा कि इस बात का राहुल से कोई ताल्लुक है? फिर आपने अपना गुस्सा उस मासूम पर क्यों उतारा? आपने सिर्फ मेरा गुस्सा देखा है, ये नहीं देखा कि इस गुस्से की वजह से राहुल चार कदम चल भी सका। आज वो चार कदम चला है, कल 40 कदम चलेगा, फिर दौड़ेगा, भागेगा और एक दिन वो स्केटिंग करेगा अपने बाप की तरह। डॉक्टर प्रीति, सख्त अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आप डॉक्टर कम है औरत ज्यादा। राहुल मेरे लिए सिर्फ पेशेंट है, ओनली ए पेशेंट, और आपके लिए राहुल प्रेम का बेटा है, उस प्रेम का बेटा जिसने आपके शरीर को गर्मी देकर आपकी जान बचाई। एनीथिंग मोर? थैंक यू। आप भी यही कहने आए हैं ना कि मैंने क्यों राहुल को मारा? एक मासूम बच्चे पे क्यों अपना गुस्सा उतारा? उसके साथ इतना बुरा सलूक मैंने क्यों किया? ठीक, क्या कर रहे हैं आप? डॉक्टर साहब, मैं जानता हूं आपने जो कुछ भी किया वो जरूरी था, वो आपके इलाज का एक हिस्सा था। आज मेरा बेटा राहुल चला है, चार कदम चला, फिर वो और चलेगा, उसके बाद वो दौड़ेगा, फिर वो स्केटिंग कर पाएगा मेरी जैसे। डॉक्टर साहब, ये सब सब आपने किया, मैं किन अल्फाज में आपका शुक्रिया अदा करूं? डॉक्टर साहब, इसकी कोई जरूरत नहीं, अब आप राहुल को घर ले जा सकते हैं। उसके दिलो दिमाग में बात डालते रहिए कि उसकी टांगे ठीक होती जा रही है, उसे बगैर सहारे के चलने की प्रैक्टिस कराइए और हफ्ते में एक बार उसे चेकअप ले लाते रहिए। जी डॉक्टर साहब। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं प्रीति जी और अपने बारे में आपसे कुछ। मिस्टर प्रेम, आप राहुल और उसके इलाज के बारे में जो चाहे कह सकते हैं, उसके अलावा मैं कुछ सुनना नहीं चाहता हूं। ये उंगली में क्या हुआ? कट गई खाना बनाते समय। खाना तुम क्यों बना रही थी? घर में नौकर नहीं है? सब यही थे, मगर मैं खाना बनाना सीख रही थी, क्योंकि जिस घर में मुझे जाना है ना, वहाँ नौकर नहीं है। नौकर नहीं है? किसके घर में? मास्टर जी के। मास्टर जी? हाँ। तो इस बार तुम्हें वो अपना शिकार बना रहा है?
वो तो मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं करते, लेकिन मैं जानती हूँ वो मन ही मन में मुझसे प्यार करते हैं। देखिए तुम जानती हो शादीशुदा है, एक बच्चे का बाप है, उम्र में तुमसे तो क्या हुआ? प्यार का ढोंग कई बार रचा चुका है और इस बार फिर उसके इस ढोंग का शिकार मैं ही बना। क्या? पहले उसने मेरी प्रीति मुझसे छीनी और अब वो मेरी बहन मुझसे छीनना चाहता है। Here, buddy boy. Hold it. Thank you. राहुल, मास्टर जी कहाँ हैं? मालूम नहीं। वापस कब आएंगे? मालूम नहीं। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। नई पार्टी से मिलने गए हैं। मास्टर है बड़ा तकदीर वाला, रोज नई नई चिड़िया फांस लेता है। Shut up. अरे भाई, दूसरों का गुस्सा हम लोगों पर क्यों उतारती हो? यकीन ना हो तो खुद जाकर देख लो अपनी आंखों से। आजकल रोज मुलाकातें होती हैं प्रीति से छुप छुप के। आज भी मिल रहे हैं ओल्ड एयरपोर्ट पर 8 बजे। जा जा। हाँ, अब ये साली जरूर जाएगी देखने और फिर झक मार कर वापस आ जाएगी। मास्टर तो वहां होगा नहीं। हाँ। अरे मास्टर नहीं हुआ तो क्या, हम तो होंगे। हेलो बेटे, जल्दी आ गए? जल्दी कहाँ, मैं तो लेट हो गया हूँ। आज बंबई बंद है ना, ना टांगा ना टैक्सी ना बस, मुझे पैदल आना पड़ा, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। लेकिन पापा, आज तो आप प्रीति आंटी से मिलने जा रहे थे ना ओल्ड एयरपोर्ट पर। क्या, प्रीति से? हाँ, वो मनोहर है ना, टिकी से कर रहा था। मनोहर टिकी से कह रहा था ओल्ड एयरपोर्ट।
आने मत आना राहुल। जिंदगी की तमाम खुशियां इस ऑपरेशन पर डिपेंड करती हैं। प्रेम की जिंदगी या उसकी मौत पे है। सिस्टर ब्रिंग द पेशेंट ऑन द टेबल। देख राहुल, इस बटुए में तेरी मां की तस्वीर है। अगर मैं उस कमरे से वापस नहीं आया तो तू ये लेकर अपनी मां के पास चले जाना। मैं पापा, मैं तुम्हारे पास रहूंगा, मुझे पापा चाहिए। और मां नहीं चाहिए, माँ भी चाहिए, माँ और पापा दोनों चाहिए। नहीं बेटे, तुझे दोनों नहीं मिल सकते। तेरी तकदीर ही ऐसी है, या तो तुझे माँ मिलेगी या पापा। तो फिर मुझे पापा चाहिए, माँ नहीं। चल बेटे, अब जाने दे।
सुन मेरा कहना, चाहे दुख होए चाहे दुख होए, हंसते ही रहना रखना भरोसा उस पे सदा जिसने है सबको जन्म दिया, कल तेरा पापा रहे ना रहे अब जो कहा फिर रहे ना रहे, कहा ना भुलाना तू वही रखवाला है उसी को बुलाना तू आ जा है मेरे बेटे सुन मेरा कहना चाहे दुख होए हंसते ही रहना पापा का है, इसमें मेरी माँ की तस्वीर मेरे बच्चे हाँ बेटे दादी दादी आपने कहा था मुझे मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ फिर राहुल मेरा बेटा कैसे हुआ वो मैंने झूठ बोला था राहुल ही तुम्हारा बेटा है मुझे माफ कर दो बेटा कभी नहीं मैं आपको कभी नहीं माफ करूंगी कभी नहीं माफ करूंगी जानबूझकर उसे मारा है क्योंकि तुम नहीं चाहते थे कि हम दोनों इस जन्म में दोबारा मिले लेकिन प्रेम नहीं प्रेम की निशानी तो मेरे पास है राहुल मेरा बेटा है मैं उसके सहारे सारी जिंदगी गुजार दूंगी लेकिन मैं तुम्हारी कभी नहीं बनूंगी सुना तुमने मैं तुम्हारी कभी नहीं बनूंगी कमीने गद्दार स्टॉप इट नाउ ऑपरेशन कामयाब होने के बाद कभी हमें फूल भेंट मिले कभी शोहरत कभी नोटों के पुलिंदे और कभी बहुत सारा प्यार मगर थप्पड़ मेरी जिंदगी में मुझे आज पहली बार नसीब हुआ है और वो भी ऑपरेशन कामयाब होने के बाद जी हां प्रेम आपका प्रेम
जी हाँ। मुझसे है पहले कनाता कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई तेरा मुझसे है पहले कनाता कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई जाने तू